क्या आपको पता है हमारे भारत में एक ऐसा अनोखा गांव है जहां सिर्फ जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। ये ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति गांव छोड़कर कहीं और जाता है तो उन्हें भी जुड़वा बच्चे ही होते हैं। केरला के कोडिनी गांव में जुड़वा बच्चों की संख्या 400 है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया में 1000 बच्चों में 9 जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन इस गाँव में 1000 बच्चों में 45 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ के लोगों को तो ये लंबे समय तक पता ही नहीं था। फिर एक दिन जुड़वा बहनें समीरा और फेमिना अपनी क्लास में बैठी थी, उन दोनों ने गौर किया उनके अलावा उनकी क्लास में 8 और जुड़वा बच्चे हैं। फिर दूसरी क्लास के बारे में सोचा तो उन्हें वहां भी और जुड़वा बच्चे मिले। फिर उन सारे स्टूडेंट्स में एक सर्वे किया गया जिससे पता चला कि सिर्फ उनकी स्कूल में ही 24 जुड़वा बच्चे हैं। जब ये रिसर्च गांव वालों को पता चली तो उन्होंने गांव के और भी जुड़वा लोगों पर ध्यान देना शुरू किया, जिससे स्थानीय लोगों को पता लगा कि ये जुड़वा बच्चों की संख्या पिछली 3 पीढ़ी से इसी तरह से देखने को मिल रही है। सबसे पुराने ज्ञात जुड़वा जोड़ों का जन्म 1949 में हुआ था। इनफैक्ट अगर यहाँ की कोई बेटी दूसरे गाँव में ब्याही जाती है तो उसे भी जुड़वा बच्चे होते हैं। ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि लंदन, जर्मनी के भी शोधकर्ताओं ने यहाँ के डीएनए, हेयर और सलाइवा के सैंपल लिए और टेस्ट किया था, पर इन सब के बाद भी वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। उनका कहना था कोढ़ीनी गांव की हवा, पानी और आहार में कुछ विशेष तत्व है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी साबित नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि कोढ़ीनी दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव नहीं है असामान्य रूप से जुड़वा बच्चों की संख्या अधिक है। ब्राजील के कैंडिडो गोडोई, नाइजीरिया में इग्बो ओरा और दक्षिण वियतनाम में हंग हिम दुनिया भर में ऐसे अन्य स्थान हैं जहां जुड़वा बच्चों की काफी संख्या देखी जाती है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब अभी तक विज्ञान के पास भी नहीं है और यही कारण है ऐसी जगह पृथ्वी की सबसे रहस्यमय जगह बन जाती है। अगली बार आप जब भी केरला जाएं तो इस विचित्र गांव की यात्रा जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है।